जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। फिलहाल आप लोग बने रहें, चाहे उसूल किसी का भी हो लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। इस मुश्किल को कोई तो सुलझा दे, किसी को भुला कैसे जाता है कोई तो बता दे, दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं एक दूसरे से बोलना सीख जाए तो। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाते हैं। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, लेकिन ये बाहर तब ही आते हैं जब दिल में बेइंतहा दर्द होता है। अगर समय इतना खराब चल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जब आपसे लोग पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो वह वास्तव में आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, अनजान लोग तो हीरो को भी कांच समझ लेते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो हर कोई अच्छी अच्छी करता है। बुरी नजर से ना देख मुझको, देखने वाले मैं लाख बुरा सही, तू अपनी नजर खराब न कर। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जो लोग मेरे बुरे वक्त में साथ हैं उनसे वादा है मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा।